वाह, ये देखो तीन तीन चार चार मोर घूम रहे हैं भाई। टाइगर दिखेंगे तो रुकेंगे नहीं, लेकिन भागेंगे हम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सर? आई होप कि सब मस्त और बढ़िया हैं। तो आज है तीसरा दिन हमारा और आज हम जाएंगे ओमकालेश्वर, जो कि पंचमणि से 350 किलोमीटर के आसपास। तो आज अपन का राइड रहेगा पंचमणि से ओमकालेश्वर। तो आज अपन निकलेंगे अभी 9 बजे। तो गाइस अभी हम हो रहे हैं रेडी, तो अभी घर में चलते हैं और वहाँ से थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता वगैरह करके निकलेंगे यहाँ से 9 बजे तक। और अमन भाई भी रेडी हो गए नहा के मस्त। अमन भाई चलेंगे आज? हाँ यार, चलना है आज, कवर करना है। 5 घंटे के अंदर कवर करेंगे 350 किलोमीटर ओमकालेश्वर, ठीक है? तो गाइस आज ओमकालेश्वर जाएंगे। तो आज हमारा यहाँ पंचमणि का लास्ट डे है, तो अभी आज हम लोग 9 बजे तक निकलेंगे। तो अभी चलो, अभी घर चलते हैं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता वगैरह करके वहाँ से निकलेंगे। अभी सारा चीज़ पैक करके अपन रख दिए हैं, एकदम बैग वैग सब, और चलो अभी घर में मिलते हैं। गाइस हम लोग अभी रेडी हो गए और ये छोड़ने जाएगा हम लोग। अमन भी हो गया रेडी? रेडी हो गया भाई, शुरू। चलो अभी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से और अपना ये गेटअप वेटअप रेडी हो गया। चल बाय बाय, चलो चलो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द फिर से पंचमणि में, ठीक है? चलो बाय बाय, आते हैं फिर से, ठीक है? चलो गाइस अभी चलते हैं, बाय बाय। चलो चलो तो निकलते हैं अभी पंचमणि से अपन। भाई ठंड बहुत है यहाँ पंचमणि में, जाते जाते बहुत ठंड लगेगा और अभी पूरी घाटी घाटी पड़ेगी अपन को निकलते हुए यहाँ से। रात था तो अपन को पता ही नहीं चला कि कितनी घाटी थी और बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। नहीं 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 भाई, नहीं बोलाऊँ मैं। हाँ तो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं पंचमणि से। ये पंचमणि गेट है, इंटर करते हैं यहीं से और अपन निकलते हैं अब यहाँ से सीधे फील्ड लाते हुए, क्योंकि फील्ड नहीं है और अपन 2 बार टैंक फुल करा चुके हैं और ये तीसरी बार रहेगी। तो अब हमारा रास्ता स्टार्ट होता है गाइस पहाड़ियों पे पूरे यार। तो आगे बहुत गहरी गहरी खाई है भाई, और अपन रात पे आए थे तो पता नहीं चल पाया और दिखा भी नहीं, और अभी तो पूरी ऐसी है ना, क्या ही बताऊँ। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पूरा घाटी, पहाड़ी पहाड़ पे ये रोड है, पहाड़ पे ही रोड है पूरा ये वाला। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे घाटी, बहुत खाई है भाई, पता नहीं चल रहा है। बट रात को आया तो हमको तो कुछ दिखा ही नहीं और फुल स्पीड पे आते रहते हम लोग, स्पीड से ही आ रहे थे कवर करना करके। और देखो तो इधर पूरी खाई खाई ऐसे चट्टाने हैं बहुत बड़ी बड़ी, और ये पूरा रोड ही ऐसे चट्टानों पे है, और साइड में देखो तो बड़ी सी खाई है। और यहाँ ये पूरी खाई जो रोड है 23 किलोमीटर में है, 23 से 24 किलोमीटर पंचमणि से। और इधर तो पूरा ऐसा है भाई, खतरनाक और खतरनाक खाई है। वाओ, ये देखो तीन तीन चार चार मोर घूम रहे हैं भाई। वाओ, छोटी छोटी मोर है, मोरनी है, ये मोर नहीं दिख रहा है भाई। यही तो देखना था हमको इन जंगलों में गाइस,
मोर भी दिख जाएंगे, ये घूम रहे हैं चार चार पांच पांच। अचानक से ध्यान गया मेरा भाई, कुछ तो दिखा, उफ, बस टाइगर दिख जाए एक बार और। टाइगर दिखेगा तो रुकेंगे नहीं, लेकिन भागेंगे हम। खतरनाक खाई टाइप का है भाई, ये देखो भाई खतरनाक यहाँ पे है खाई। रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बंदर हैं और बंदर परेशान करते हैं, फिर बहुत खतरनाक खाई है भाई इधर। अरे खाइयों में पेड़ ये पूरा मटकुली से सीधा फ्यूल भरा के फुल करते हैं दोनों गाड़ी, उसके बाद चलते हैं अपन। तो अपना फ्यूल पूरा हो गया एकदम फुल, तो अमन भाई चले अब सीधे। चलो भाई अब सीधे चलते हैं, यहाँ से पपरिया लेंगे यहाँ पे पहले। चलो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से। ऐसे पहाड़ों पे घाटियों पे और जंगलों पे जाने का मजा ही अलग रहता है भाई। जय श्री राम। अभी 150 या 160 किलोमीटर क्रॉस करके भी लंच कर रहे हैं अभी, तो अभी के 2 बज रहे हैं दोपहर के, और हम लोग स्टॉपेज लिए हैं यहाँ पे थोड़ा सा खाना वाना खाने के लिए, और हमारी बाइक बाइक जो खड़ी हुई है मस्त लोडेड, और हम अभी लंच वंच करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी तो भूख लग रहा है भाई बड़े ज़ोर से, सुबह को बस खाए थे, उसके बाद अभी तो स्टॉपेज यहाँ ले रहे हैं, तो अब यहाँ से ओमकालेश्वर समथिंग 200 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा पंचमढ़ी से, क्योंकि 350 किलोमीटर था, 350 किलोमीटर से ज़्यादा था पंचमढ़ी से। तो अभी हम लोग सलकनपुर में रुके हुए हैं, खाना वाना खाते फिर यहाँ से निकलते हैं। तो सब मस्त व्यू है यहाँ पे भी, ऐसा पहाड़ वाला इलाका है भाई, मस्त लग रहा है यहाँ पे बैठे बैठे खाएंगे। तो कैसे अमन भाई, कैसा लग रहा है, थकावट लग रहा है? नहीं लग रहा है यार, अपन को थकावट वकावट नहीं लगता, अपन जितना लंबा रहे उतना लंबा खींच लेते हैं। लेकिन मजा आ रहा है भाई इस राइड पे ना, ऐसा ही नहीं लग रहा है कि ये है वो है दूर है, बस मजा आ रहा है। अमन भाई के साथ तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। कैसे अमन भाई, अपने साथ जाओगे तो मजा आएगा, बहुत मजा आ रहा है भाई, हम दो हैं ना तो बहुत काफी और बहुत मजा है। चलो फिर अब खाना आने दो गाइस अपना। सुबह गाइस फाइनली हम निकल गए अभी खाना खाके, और ऐसे रोड मिल रहे हैं अभी बीच में, तो हम ओमकालेश्वर के रास्ते जा रहे हैं, तो ये ऐसे रोड है बीच बीच में। देख रहे हो हालत कैसी है, ऐसे हालत है अभी भाई हमारा तो पागल रखे हैं, और इतने लंबे राइड से तो चलो अभी फ्रेश फ्रेश होते हैं फिर मिलते हैं। चलिए अभी हम 9-10 बजे से निकले हुए पंचमढ़ी से, रात को अभी 8 बजे पहुँचे, और अभी फ्रेश फ्रेश होके अभी रिलैक्स कर रहे हैं अपन, और हमको लगा टाइम 10 बजे से लेके 8 बजे तक राइड किए, 1 घंटा रेस्ट किए, खाना वाना खाए, बीच बीच में रुके, और अभी हम लोग 8:30 हो गए, अभी तो 8 बजे हम लोग ओमकालेश्वर पहुंच गए। तो अभी रूम ले लिया अपन ने और मस्त अभी रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा भी देखते हैं। सो गाइस आज का वीडियो यहीं तक, तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, ओके बाय बाय।
Thank you.